मैं आ चुका हूँ गाड़ी के टूल पर और हमारी गाड़ी इस तरह लोड होने लग चुकी है। देखो ये बच्चे हैं यहाँ छोटे छोटे से, यही घूम रहे हैं पेड़ पौधों में, एक वहाँ छुपा हुआ है। देखो ये इसके बच्चे हैं जो घूम रही है ना। तन्माय का से मैं क्यों डरता हूँ लोड करने के लिए भाई, रिजल्ट आपके सामने। पीछे का पत्ता पूरा खाली है, बीच बीच में मार डाल दिया है, गाड़ी ब्रेक भी नहीं लेती है, प्लस माइलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। दोस्तों घर पहुँच के नहा लिया हूँ और अभी हमारा सुबह का खाना हो रहा है 2 बजे, तो आज खाने में क्या है मैं दिखा देता हूँ। खाने में अपने हैं टिंडे की सब्जी, शाही पनीर, रबड़ी और ये काजू कतली, और ये हो गया भाई पता नहीं मिठाई है लेकिन पता नहीं, ये हो गया रायता, ये रोटियाँ, ये सलाद। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आगरा यूपी से आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहा है सुबह के 8:30 और अभी हैं हम हापुड़ में। एक्चुअली मैंने परसों केला खाली किया था, तो कल संडे पड़ गया, कल हमारी गाड़ी लोड हुई नहीं, तो आज मंडे को हम आए लोडिंग करने के लिए सनमाय का। तो ये है कोल्हापुर का, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, करीबन पूना से थोड़ा सा आगे है, वहाँ हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। दोस्तों आपकी जो सबसे ज़्यादा कमेंट रहती है वीडियो पर वो सनमाय का, प्लस जो भी आज तक हमने प्लाईवुड वगैरह लोड किया उस पर ज़्यादा रहती है कि भैया हमें फैक्ट्री का नंबर चाहिए, हमें वहाँ से ख़रीदना है कि हमें वहाँ से बेचना है, क्या करना है। तो दोस्तों इस बार ना मैं आपको इस फैक्ट्री की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लोकेशन, जिससे आप गूगल करके यहाँ से ले सकते हैं। प्लस इस कंपनी का नाम है एडवांस, जो कि काफ़ी विभिन्न प्रकार के सनमाय का बनाती है, जो मैंने भी देखा है कई बार हमारी गाड़ियों में लोड होता है तो कोई चमकीला, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो आइए पीछे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखते हैं लोडिंग पर हमारी गाड़ी लग चुकी है, तो कैसे लोड हो रही है, क्या लोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ गाड़ी के टूल पर और हमारी गाड़ी इस तरह लोड होने लग चुकी है। तो हमें ना कुलदीप भाई ने बोला था कि भाई आपका प्लाई बोर्ड लोड होगा, तो मैं इसलिए आ गया। सनमाय का लफड़ा ही है, अब ये आगे लगा रहे हैं प्लस पीछे लगाएंगे, आगे ज़्यादा वजन हो गया, पीछे ज़्यादा वजन हो गया। तो ये बेल्ट है और इससे देख रहे हो ना आप, ये अगर इन्होंने कस दिए तो फिर इसके बाद इसे खोलते नहीं है, तो आगे वजन ज़्यादा हो गया तो ले जाना पड़ता है। और अगर प्लाई बोर्ड रहता है तो उसे तो आगे पीछे कर लो, उसको बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसे खाली करने और भरने में भी बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप देखो धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, अब ये लफड़ा ही तो है और क्या है। अभी तो हमने ना यहाँ से लोड करनी है, अभी इन्होंने बताया है तो वो कुलदीप भाई ने झूठ बोलकर बोल दिया, तो अभी हमें दूसरी फैक्ट्री में भी जाना है। गाड़ी अपनी भाई आधी से ज़्यादा लोड हो गई है, अब थोड़ी सी और रह गई है, और जब तक बज गए 12:30 तब मैं जा रहा हूँ भाई खाना खाने के लिए। ठीक है, खाने में है आज 2 सब्जी, राइस, रोटी और सलाद। तो यहाँ एक कैंटीन है, देखो फैक्ट्री वाली, यही कैंटीन में खाने आया हूँ। अपनी गाड़ी के खाना खा के आया हूं ना, ये वाली इन्होंने गाड़ी को लोड कर दिया, और ये भाई जो खड़ा है वो थप्पी लगाई है इन्होंने, कार्टून पड़ेंगे थोड़े से, इसी में इसी फैक्ट्री से और भी माल लेंगे जब निकलेंगे, उसको दिखाता हूं मैं क्या डलेगा गाड़ी में, पीछे जो पत्ता खाली है उसमें डलेगा माल भाई। गाड़ी यहाँ पर लगा दी गेट में, और ये फोल्डर पड़ रहे हैं इसमें, फोल्डर मतलब सैंपल्स, कि इसके अंदर कौन से सनमाय का हमारी गाड़ी के अंदर जा रहा है, जैसे ये देख सकते हैं। तो ये डलने के बाद कांटा होगा, तो आ गए भाई कांटे पर, और कांटे पर चढ़ाते हैं गाड़ी को और वजन पता करते हैं कितना आया है। भाई कांटा करा लिया अपना और पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। वजन हमारे यहाँ पे आया 13.5 टन, अभी शायद बोल रहे हैं कि दूसरी फैक्ट्री में 1 टन और डलेगा, तो 14.5 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, देखते हैं। बाकी मुझे ना, मैं गाड़ी लेके आ रहा था, वहाँ पे एक चिड़िया के बच्चे देखे थे छोटे छोटे, जो कि रोड पे चल रहे थे, मतलब कोने पे कंपनी के अंदर, तो चल के देखता हूँ एक बार वो फिर से मिलते कि नहीं मिलते। देखो ये बच्चे हैं यहाँ छोटे छोटे से, यहीं घूम रहे हैं पेड़ पौधों में, एक वहाँ छुपा हुआ है। देखो ये इसके बच्चे हैं जो घूम रही है ना, देखो ये चिल्ला रही है ना, तो हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं इसको चोट पहुँचाना, बाकी कि हम इसको यहीं सलामत से छोड़ दे रहे हैं। छोटे छोटे से हैं अभी ये भाई पेपर, और हम कर रहे हैं गाड़ी को गेट से आउट, चल रहा है भाई दूसरी फैक्ट्री में, चुके हैं दूसरी फैक्ट्री पर। इसका भी नाम एडवांस ही है और इनकी सेकंड यूनिट है ये, तो अंदर चलते हैं। ये गाड़ी को देखो कांटा करा के मैंने ये वाला और लगा दिया साइड में। तो दोस्तों रात के 9 बज गए और अभी तक हमारी गाड़ी लोड नहीं हुई, और होगी या नहीं होगी इसका भी मैं गारंटी नहीं दे सकता, परंतु जो कुलदीप भाई ने हमारे साथ चीट किया है ना वो गलत किया है, उन्होंने दूसरी कंपनी बताई थी, दूसरा माल बताया था, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई वही सनमाय का निकला। मुझे पता है कि मैं सनमाय का लोड नहीं करता हूँ, तो अब कर ही कह सकते हैं, ठीक है जो हो गया सो हो गया, परंतु आगे से याद रखेंगे जिंदगी भर। तो भाई करीब 10 बज गए, अब जाके हमारी गाड़ी में थोड़ा सा माल पड़ा है, और ऊपर मैंने अकेले ने बांध दिया भाई जाल, पसीने की कंडीशन आप चेक कर सकते हो। बाकी 70 पर डाल के हमें निकलना है भाई आगरा के लिए, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
सनमायका से मैं क्यों डरता हूँ लोड करने के लिए भाई, रिजल्ट आपके सामने। पीछे का पत्ता पूरा खाली है, बीच बीच में माल डाल दिया है, गाड़ी ब्रेक भी नहीं लेती है, प्लस माइलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। कम से कम मेरा अगर 5,000 का तेल एक्स्ट्रा खा गई तो भाई बहुत बड़ी बात है, यही बचने हैं पूरे चक्कर में, और बचना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं डरता हूँ। पर कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम है, सब इसका भी हिसाब होगा। तो भाई अभी बज गए रात के 11, और छत्रपाल हमने कुछ इस तरह अकेले किए हैं, ना कोई रस्सा खींचने वाला मिला, ना कोई त्रिपाल वाला मिला, मैंने 100-200 रुपए की भी भूल था। तो इसकी एक पेज दिखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ अकेले, आप बोलोगे अकेले संभव ही नहीं है। हमने ये वाला रस्सा खींचा, यहाँ पर गांठ लगा दी, इससे आगे चले यहाँ पर अंटा लगा दिया, उधर खींच दिया, अरे ये गांठ लग गई अपनी, ऐसे ही सारे पीछे तक। तो पीछे का एक बार डाला दिखा देता हूँ, ये बात देख रहे हो। तो साथ ही साथ पेपर भी मिल गए, बाकी बस कांटा होना रह गया है, कांटा हो जाए एक बार, कांटे वाला गया है कहीं पे, पता नहीं कहाँ गया, तो कांटे वाला जाए कांटा करा के फिर यहाँ से निकलते हैं। और रात को नींद नहीं आई तो भाई आगरा पहुँचेंगे, और नींद आ गई तो अलीगढ़ तो पार करना ही करना है। बाकी के हमें गाड़ी का काम कराना है, काम में हमें गेयर बक्सा चेंज कराना है अपनी गाड़ी का, क्योंकि गेयर बक्से में आवाज़ है, और 2 साल में कम से कम 5 बार खुल चुका है, तो इस हिसाब से मैं इसको चेंज ही करा दे रहा हूँ, किस्सा ही ख़त्म। कांटा करा लेते हैं, देखते हैं कितना वजन आया अपनी गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हमने अलीगढ़ पार कर लिया है, और रात को ना इसी होटल पर सोए थे भाई, 2 घंटे का रास्ता बचा था घर का, लेकिन नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, रास्ते पार करने से थक गया था, तो फिर यहीं सो गया। अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, चाय वाय पी ली है, तो एक भाई आ रहा है अपनी जानकारी के, उनको साथ ले जाना आगरा, बैठ बिठा के, उनकी भी गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर आगरा में खड़ी है, ठीक है बस वो आ जाए, उनका वेट कर रहा हूँ, आते ही फिर निकलते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके अपने घर पर आगरा, और हमारा 2 घंटे का रास्ता आज कम से कम 4-5 घंटे का बन गया। बोले कैसे बन गया, जो हमारे साथ भाई बैठ के आए थे वो तो आए थे, बाकी हमने उनके ही जानकार पे एक पे वेल्डिंग कराई थी, इसलिए तो उनकी ही बातों में मुझे वीडियो बनाना भी याद नहीं रही। हमने कहाँ कराई थी, जो हमारा जान नहीं टूट गया था पहले चक्कर, जब हम काम करा के ले गए थे, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, चलो ये तो 3 टांके हो गए, प्लस ये जो पीछे वाला जो हिलने वाला है ना, तो इसको फिक्स करा दिया है ऐसे एंगल लगवा के, देखो ये एंगल चेस्ट से वेल्डिंग करा दिया है, और यहाँ के इससे करा दिया, अब ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, ऐसे ही उतर के भी करा दिए हैं। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ घर पे नहा धोए धोने, क्योंकि अभी बजेगा करीब 1, तो अब तो क्या ही ट्रांसपोर्ट नगर में काम होगा। मैंने मिस्त्री को फ़ोन करके पूछा था, तो बोल रहे थे भाई आज रहने दो कल आना, तो अभी मैं शाम को जाऊँगा शायद ट्रांसपोर्ट नगर, पहले अपनी गाड़ी के लिए गियर बक्सा ना देख के आऊँ कौन सा गियर बक्सा सही रहेगा। तो पहले मैं घर पर जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर आपको मिलते हैं शाम को या कल सुबह। देखो दोस्तों घर पहुँच के नहा लिया हूँ, और अभी हमारा सुबह का खाना हो रहा है 2 बजे, तो आज खाने में क्या है मैं दिखा देता हूँ। खाने में अपने हैं टिंडे की सब्जी, शाही पनीर, रबड़ी, और ये काजू कतली, और ये हो गया भाई पता नहीं मिठाई है लेकिन पता नहीं, ये हो गया रायता, ये रोटियाँ, ये सलाद। खाना खा के मैं जाऊँगा ट्रांसपोर्ट नगर, और वहाँ चेक करके आऊँगा कि अपनी गाड़ी के लिए कोई ऊँचे मॉडल का गियर बक्सा चेंज के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर हम सुबह आपको नए ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि उसका अलग ब्लॉग बना दूंगा मैं गाड़ी का काम का। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके कमेंट करके जो बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारे सी बाय बाय।